देखिए कोविड के बाद ये जो बजट सेशन है बहुत महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि एक पूरा वर्ष बीत गया है जहां एक किस्म से सरकार और सरकार का तंत्र पैरालाइज्ड रहा है। वो स्वाभाविक भी था, एक ऐसा पीरियड था जब कोई कार्य नहीं हो पाए थे। हालांकि वो पीरियड सितंबर के बाद आस्ते आस्ते जो ग्रहण लगा था जो हट गया, लेकिन फिर भी कार्य उस गति से पकड़ नहीं पाए। इसलिए निश्चित रूप से ये सत्र जो है बहुत महत्वपूर्ण है। 5 साल की अवधि विधानसभाओं की होती है, लेकिन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन आज पैदा हुई है जहां पर ये पूरे 5 साल का कार्यकाल नहीं रहने वाला है, एक बीत गया है समय। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है ये कि भाई कार्य तेजी से चले, सरकार और सरकार की दिशा गरीब के प्रति रहे, जो अधूरे कार्य हैं वो कार्य पूरे हो। और यही नहीं है, आज देश में बदले हुए हालात है, आज किसान का प्रश्न जो है वो फोकस में आ गया, उसके बारे में सरकार क्या करना चाहती है उसको अपना देखा जोखा पेश करना है। और ख़ास तौर पर जब किसान लड़ रहा है तो हिमाचल प्रदेश में जो सेब की खेती है, जो अन्य दूसरी खेती होती है, सब्जी की है और अन्न की खेती है, उसमें किस तरीके से सरकार हस्तक्षेप कर उसको राहत कैसे देगी, ये बड़े प्रश्न आज है जिसका जवाब बजट में भी होना चाहिए और सरकार की तरफ से ये सामने आना चाहिए। ऐसे हम स्पीकर ने अपील किया है कि सुचारू रूप से कंडक्ट हो तो कॉपरेशन चाहिए विपक्ष का। मैं आज आपको ये बता रहा हूँ, विपक्ष की तरफ से कभी कोई कमी नहीं रहती है कॉपरेशन। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, अनकंडीशनल मैं कह रहा हूँ, सदन पर पूरी वो क्या कहते हैं, सरकार को कोऑपरेशन दी जाएगी, लेकिन ये सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है उसको एक ऐसा वातावरण बनाना है जिसके जरिए, क्योंकि जो लोकतांत्रिक प्रणाली है पक्ष और विपक्ष के आधार पर चलती है, ये दो पहिए हैं जिसके आधार पर ये चल नहीं सकता है सदन। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 26 फरवरी 2021 से प्रारंभ हो रहा है जो 20 मार्च तक चलेगा, जिसमें 17 सीटिंग्स होनी हैं। उसके लिए माननीय सदस्यों द्वारा अपने प्रश्न जो है वो विधानसभा सचिवालय को प्रेषित कर दिए गए हैं और सरकार उन सभी प्रश्नों का जो है वो समुचित उत्तर जो है वो विधानसभा में देगी। नियम 130 के अंतर्गत भी कुछ प्रस्ताव आए हैं और प्राइवेट मेंबर्स डे के लिए जो है वो कुछ विधायकों द्वारा जो है वो विभिन्न विषयों के ऊपर जो है वो अपने प्रस्ताव जो है भेजे गए हैं। इन सभी पर नियमों के अनुसार जो है वो चर्चा माननीय अध्यक्ष महोदय जो है वो उसे स्वीकृत करेंगे। वास्तव में ये बहुत महत्वपूर्ण बजट है जो हमारे COVID-19 की स्थिति रही है और अभी भी COVID-19 से पूर्ण रूप से जो है वो दुनिया उभरी नहीं है। ऐसी स्थिति में विधानसभा का ये सत्र हो रहा है। हालांकि हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने ये इतिहास भी बनाया है कि पूरे देश भर में एकमात्र विधानसभा है जिसका COVID-19 के स्थिति में जो है वो 10 दिन का पूरा सत्र जो है वो चला है। और अब ये बजट सत्र चल रहा है जिसमें माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होगा, उस पर चर्चा जो है वो होगी जिसका समुचित उत्तर जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे। बजट पेश होगा 6 तारीख को, उस बजट के लिए भी जो है वो समय निर्धारित है, उसमें डिस्कशन जो होंगी और डिस्कशन के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर देंगे। फिर अनुमान मांगे जो हैं
उनके ऊपर तो लगभग पूर्ण रूप से विपक्ष ही चर्चा करता है, तो इसलिए इस सत्र में पूर्ण समय जो है वो विपक्ष को और सभी माननीय सदस्यों को अपनी बात, अपनी कंस्टिट्यूएंसी की बात रखने का जो है वो अवसर मिलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय ने आज की इस सर्वदलीय बैठक में सभी से ये निवेदन किया है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा की परंपराओं के अनुसार राज्यपाल महोदय के अभिभाषण और अन्य चर्चाओं में हम जो है वो प्रदेश के हित की, विकास की, अपने विधानसभा क्षेत्र से संबंधित जो विषय हैं उनको सदन में चर्चा के रूप में रखें और सभी लोग जो हैं वो सदन के संचालन में जो है वो उनका सहयोग करें। उपस्थित सभी सदस्यों ने माननीय विपक्ष के नेता, CPIM के नेता और हम पक्ष के ओर से जो है वो मेरे साथ हमारे मुख्य सचेतक श्री नरेंद्र बलाप्ता जी भी उपस्थित थे, हम सभी ने सदस्य महोदय को आश्वस्त किया है कि सदन में उन्हें संचालन की दृष्टि से पूर्ण सहयोग दिया जाएगा और ये सदन प्रदेश की जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति है, विकास के विषय हैं, बजट है, इन सभी पर जो है वो अपनी बात रखेगा और सरकार की ओर से जो है वो हमने आश्वासन दिया है कि हम पूर्ण सहयोग करेंगे। सरकार की ओर से जिस भी विषय का उत्तर देने का जो है वो सदस्य आग्रह करेंगे और स्पीकर महोदय जिस भी विषय पर जो है वो हमें आदेश देंगे उनका जो है वो उचित उत्तर जो है वो विधानसभा में पक्ष की ओर से रखा जाएगा। बहुत सौहार्दपूर्ण ढंग से ये बैठक हुई है और हम समझते हैं कि ये सेशन भी बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से जो है वो संपन्न होगा। और एक और हम सोच रहे हैं कि ये हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व प्राप्त करने का जो है वो 50 साल पूरे किए हैं और 50 साल में हमने क्या खोया क्या पाया इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। हम इतिहास को भी देखें और भविष्य की योजनाएं भी बनाएं, उस पर जो है वो सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी जो है एक विशेष जो है वो विधानसभा का सेशन बुलाने का भी विचार रखते हैं और उसे उसमें भी हम जो है विशेष विषयों पर जो है चर्चा करेंगे। ये सत्र बहुत अच्छा चले इसकी जो है वो हम कामना करते हैं और जो आज सर्वदलीय बैठक में सबका जो है वो बातचीत हुई है उससे हम समझते हैं कि ये सदन जो है वो फ्रूटफुल रहेगा। सर विपक्ष कह रहा है कि विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया जाएगा। देखिए कोई भी विषय विधानसभा में विपक्ष उठा सकता है, नियमों के अनुसार अगर स्पीकर जो है उस विषय पर चर्चा करने का आदेश देते हैं तो विधानसभा में सरकार की ओर से उसका जो उत्तर बनता है वो उत्तर जो है दिया जाएगा। पिछले वर्ष नवंबर दिसंबर में कोरोना महामारी ने विकराल रूप धारण कर लिया था जिसके चलते धर्मशाला स्थित तपोवन में 7 दिसंबर 2020 से 11 दिसंबर 2020 तक प्रस्तावित 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र को आयोजित नहीं किया जा सका था। आप सभी इस बात से वाकिफ हैं कि हिमाचल प्रदेश की 13वीं विधानसभा का 11वां सत्र दिनांक 26 फरवरी 2021 को पूर्वाह्न 11 बजे माननीय राज्यपाल के महोदय के अभिभाषण के साथ आरंभ होने जा रहा है। ये बजट सत्र 20 मार्च 2021 तक चलेगा। इस सत्र में 17 नियमित बैठकें आयोजित की जाएंगी। 5 मार्च व 19 मार्च 2021 को 2 दिन गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस के लिए निर्धारित किए गए। 6 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश श्री जयराम ठाकुर जी
वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए बजट अनुमानों का को प्रस्तुत करेंगे। आप सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी जहां पूरे विश्व में विकराल रूप धारण किए हुई है, वहीं हमारा देश व प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। हालांकि ऐसी भयावह स्थिति में सत्र का आयोजन करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन संवैधानिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सत्र का आयोजन करना जरूरी है, अनिवार्य है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा सचिवालय पूरी सजगता तथा दृढ़ता के साथ इसके आयोजन की तैयारियों में जुटा है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए हमने ये निर्णय लिया है कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी ही गेट संख्या 1, 2, 3, 6 और 8 में थर्मल स्कैनिंग करेंगे। स्वास्थ्य विभाग 2 शिफ्टों में डॉक्टर, 1 फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स के व अन्य पैरामेडिकल स्टाफ को विधानसभा में तैनात रखेगा। थर्मल स्क्रीनिंग के दौरान किसी का तापमान सामान्य से ज़्यादा होने की स्थिति में उसे विधानसभा की डिस्पेंसरी के समीप स्थापित आइसोलेशन रूम में अगली जांच के लिए शिफ्ट किया जाएगा। बिना थर्मल स्क्रीनिंग के कोई भी व्यक्ति विधानसभा परिसर में प्रवेश नहीं कर सकेगा। सत्र के दौरान विधानसभा सचिवालय में के मुख्य द्वारों, सदन के बाहर पक्ष व विपक्ष गैलरी, पक्ष व विपक्ष लॉन्च और अधिकारी दीर्घा के बाहर फुट पैडल के साथ सैनिटाइजर की व्यवस्था की जा रही है। सत्र के दौरान माननीय मंत्रियों, माननीय सदस्यों और सदन से संबंधित विधानसभा अधिकारियों, कर्मचारियों एवं मीडिया के सभी साथियों को सर्जिकल फेस मास्क तथा 100 ml सैनिटाइजर की एक एक बोतल भी प्रदान करने की व्यवस्था की जा रही है। सत्र के दौरान गेट नंबर 4 के बाईं ओर एक टेस्टिंग वैन तैनात रहेगी। विधानसभा सत्र के दौरान समस्त परिसर व सदन को प्रातः व सदन के स्थापित होने के उपरांत सोडियम हाइपोक्लोराइड Na02Cl 1% 1% सॉल्यूशन के साथ वाइप सैनिटाइज किया जाएगा। कोरोना महामारी के चलते हमने निर्णय लिया है कि दर्शक दीर्घा में बैठने के लिए किसी भी आगंतुक को पास जारी नहीं किए जाएंगे। एक आपके माध्यम से मैं आग्रह कर रहा हूँ। अलबत्ता जनप्रतिनिधि मंडल, मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद के माननीय सदस्यों से विधानसभा स्थित प्रतीक्षालय में सत्र के बाद समय अनुसार मिल सकेंगे। मैंने मंत्री परिषद के सभी माननीय सदस्यों से आग्रह किया है कि वे अपने साथ केवल अपने एक निजी सहायक या जिस एक को वे आवश्यक समझें को ही आने की अनुमति दें तथा उसके साथ तैनात सुरक्षा अधिकारी कर्मचारी परिसर से बाहर ही रहें। इसके अतिरिक्त हमने प्रशासनिक सचिवों तथा विभागाध्यक्षों से भी आग्रह किया है कि वे केवल उन्हीं अधिकारियों और कर्मचारियों के पास के लिए आवेदन करें जिनकी सेवाएं अति आवश्यक हैं। इस तरह विधानसभा सत्र के लिए ड्यूटी पर तैनात किए जाने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों में भारी कटौती की जा रही है। अब विधानसभा सचिवालय 1200 के बजाय मात्र 400 के लगभग अधिकारियों कर्मचारियों को ही पास जारी करेगी। पूर्व की भांति कोरोना संक्रमण से बचने हेतु माननीय सदस्यों के सदन में बैठने की विशेष व्यवस्था की गई है। सदन के भीतर सदस्य एक दूसरे के संपर्क से दूर रहें, इसके लिए उनके आसन को 6 फुट ऊंची पॉली कार्बोनेट शीट से पृथक किया गया है जो हमने मानसून सत्र में इंस्टॉल की थी। पत्रकार दीर्घा समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों की पालना करते हुए पत्रकार दीर्घा में एक समाचार पत्र तथा समाचार एजेंसी का एक ही पत्रकार बैठेगा तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एक एक संवाददाता को भी
पत्रकार दीर्घा में बैठने की अनुमति देंगे।